गुड आफ्टरनून, मैं अनिंदिता चक्रवर्ती एस्पायरिंग लाइफ कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। मेरे साथ है उद्वी डॉक्टर अनुग्रह लक्ष्मी भगत, जो हमारे थ्रू अनवर खान मॉडर्न मेडिकल कॉलेज अंडर ढाका यूनिवर्सिटी जा रही है, और उनके पिता श्री अशोक कुमार भगत। नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो अनुग्रह, आप अनवर खान मॉडर्न मेडिकल कॉलेज जा रही है, तो ये ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है, तो आप ऐसा है कि आप तो बिलोंग, आई थिंक यू बिलोंग टू सेकंड, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम अनुग्रहा है और मैं सिक्किम से हूँ, और मैं अनवर खान मॉडर्न मेडिकल कॉलेज पे बांग्लादेश पे मैंने एडमिशन लिया है। थैंक यू अनुग्रह। अशोक जी से ये जानना था सब कि आपने बांग्लादेश को क्यों चुना एमबीबीएस के लिए, अनुग्रह के लिए? देखिए, इंडिया के अलावा देखें तो और कंट्री में भी एमबीबीएस किया जा सकता है, लेकिन बांग्लादेश ठीक होगा, हमारा स्टेट से जरा पास में है, और नंबर टू एजुकेशनल सिस्टम मेडिसिन का एजुकेशन है वो जरा स्टैंडर्ड का है, ये पता लगा, इसीलिए हमने बांग्लादेश चुना है। ओके, थैंक यू सर। और सर, जो हमें हम जानते हैं कि आप टीचर हैं, आपका सर्विस आप टीचिंग करते हैं, तो एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ही आपने, मतलब बांग्लादेश में मेडिकल एजुकेशन बहुत अच्छा है इसीलिए चूज किया, या फिर इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर और कुछ इश्यूज हैं? इंडिया में भी एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन अच्छा है, लेकिन क्या है कि बहुत ही एक्सपेंडिचर हाई है, बहुत ही कॉस्टली है, नंबर वन थिंग। और नंबर टू, एनवायरमेंट शायद ही फेयर नहीं है, जो कि बांग्लादेश में ठीक है बोल के मुझे पता चला, क्योंकि मेरा एक स्टाफ भी, उनका बच्चा भी बांग्लादेश में पढ़ाई कर रहा है, सो उनके द्वारा भी जो भी मुझे ज्ञान हुआ तो बांग्लादेश ठीक लगा। सर, और एक चीज जानना चाहूंगी आपसे, जैसे एस्पायरिंग लाइफ के साथ आप जुड़े हैं, तो एस्पायरिंग लाइफ से आप कैसे जुड़े हैं, और आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे अनुग्रह अभी जाने वाली है, कॉलेज में क्लास शुरू होने वाला है। फेयरली स्पीकिंग, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट कंसल्टेंसी एंड एजेंसी, यस, आई हैव बेटर एक्सपीरियंस। वी डू नॉट गेट फेयर एजेंट इजी, मोस्ट ऑफ द एजेंट आर फ्रॉड। तो क्या हुआ कि मनीष जी, ये एस्पायरिंग लाइफ जो कंसल्टेंसी है, इनका हमें गेंटों में मुलाकात हुआ, इनका अपना एक बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं, और मुझे पुराना मेरा फ्रेंड्स थे जिनका बच्चे आप ही द्वारा, आपके कंसल्टेंसी द्वारा गए हैं, तो पता चला कि ये एस्पायरिंग लाइफ कंसल्टेंसी जेन्युइन है, और मुझे अभी पता भी चला, कंफर्म हो गया हूँ कि ये इनमें धोखा कुछ नहीं है, सिंसियर हैं, और थ्रू आउट 5 ईयर ऑफ कोर्स में ये बच्चे को गाइड करते हैं, इसीलिए मैंने ये चुना है और पसंद किया है। थैंक यू सर। सिर्फ 5 साल क्यों सर, जब तक अनुग्रह एक एक्सपीरियंस डॉक्टर स्पेशलिस्ट किसी चीज में ना बन जाए, तब तक हम अनुग्रह के साथ है, हमारे सारे स्टूडेंट्स के साथ है, जो हमें तो पसंद आ रहा है, और भविष्य में जो भी, जिनको भी ये एक्सपीरियंस, मतलब नॉलेज चाहिए, तो हम शेयर करेंगे, बताएंगे ये एस्पायरिंग लाइफ कंसल्टेंसी एकदम फेयर है, अच्छा है, इसमें धोखा नहीं है, और है, आपने ठीक कहा, आपका कंसल्टेंसी का ऑफिस ढाका में भी है, आप लोग गाइड करते हैं थ्रू आउट द कोर्स, आप लोग गाइड करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ सर। और एक चीज, जैसे अनुग्रह से अभी जाना था, अनुग्रह आप एमबीबीएस क्यों जी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका परसेंटेज है, आप जो करना चाहते हैं, इंडिया में बहुत सारे कोर्सेस हैं,
बहुत आप और भी कुछ करना चाह कर सकते थे, इंजीनियरिंग हो, डिजाइनिंग हो, फैशन डिजाइनिंग हो, जो अभी पैशन है इंडियन गर्ल्स का, लेकिन एमबीबीएस की और इंडिया के बाहर क्यों एमबीबीएस? इंडिया में तो नहीं हुआ उतना अच्छा, मार्क्स नहीं आया था नीट में, तो आई ट्राइड हियर इन बांग्लादेश एंड एमबीबीएस ड्रीम और स्पेशल नॉट प्रेशर, इट्स माय ओन ड्रीम। ये चाहते हैं कि हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहें, आप हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखिए, हम हमारा जो भी सर्विसेज है उसके बाहर भी कुछ भी कभी होता है हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट रही है, और हम आशा करते हैं कि अनुग्रह इंडिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स में से बने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।